अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर। जी डी स्टूडेंट, लास्ट हमने कुछ डेफिनेशन को देखा, अब हम इससे ऑनवर्ड डेफिनेशन देखेंगे। ये हमारी एक सीरीज़ है डेफिनेशन की, तो बुक्स के लास्ट पे जितनी भी डेफिनेशन है ये वो हम सारी डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सारे जो ना स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह पार्ट 1, 2, 3 इस तरह आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और इंशाल्लाह जितनी भी बुक के लास्ट पर डेफिनेशन है, हर एक डेफिनेशन को मैं अच्छे से जो है ना डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है, इसमें लीनियर इनक्वालिटी जो है, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज़ है जी? एब्सोल्यूट वैल्यू कम देखेंगे उसमें, अगर रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो उससे क्या मुराद है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए। अब ए है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने देखी, एक रियल नंबर है। रियल नंबर हम जानते हैं कि हमारे पास रैशनल इरेशनल इनका यूनियन करें तो एक रियल नंबर हमें मिल जाता है। लाइक मैं अगर इसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका सिनेरियो कुछ ये होता है, रैशनल एंड इरेशनल। जब हम द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल करते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलता है, जो जनरेट होने वाला नंबर है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो हमारे पास सिनेरियो कुछ ये है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए डिनोटेड बाई दिस। कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, उसको हम ए और उसके साथ ऐसे दो लाइनों के साथ उसको ज़ाहिर करते हैं। मतलब ये हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू, ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसको हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। इसमें सिनेरियो क्या होता है, अगर ये जो ए है ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अगर ए ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ा हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, तो हमारे पास जो वैल्यू आंसर आता है वो हमारे पास ए पॉजिटिव का आता है। और अगर ए जो है वो नेगेटिव हो, जब हम ए को नेगेटिव कंसिडर करते हैं, मतलब ए हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इससे हमें माइनस ए मिल जाता है। अब इससे मुराद कि जब भी कोई किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, किसी पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, तो वो हमें टू आंसर देगा, एक वो पॉजिटिव का देगा, एक नेगेटिव का देगा। ये आपने हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें टू आंसर मिल जाएंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर का हमें पता है कि ऐसी इनइक्वालिटी हो, इक्वेशन हो, एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर वन होती है, वन से ज़्यादा और कम नहीं हो सकती, उसको हम लीनियर कहते हैं। जब इनइक्वालिटी की बात करता है तो उसके अंदर इक्वेशन का कोई सिनेरियो नहीं होता, उसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल, ये सिनेरियो आ जाता है। और वन वेरिएबल की बात करता है तो उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमारे पास डेफिनेशन है, अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एक्स, वेरिएबल कौन सा है एक्स, इज एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल एक्स अकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड इज ऑफ द फॉर्म दिस। ये फॉर्म है जी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ लें, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास दे दी गई है कि जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी किस तरह की होती हैं। तो इसके अलावा भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि ये जो लिखी हुई सिर्फ ये एक ही होगी। मैं इसको रेज करता हूं ताकि मैं स्पेस मिल जाए कुछ। अब लीनियर इनइक्वालिटी की बात करनी है ना, तो हमारे पास सिनेरियो कुछ ये बन रहा है कि अगर मैं कहता हूं कि 4x+6 ग्रेटर देन, ये सिनेरियो, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है। अगर मैं कहता हूं 7x+2 < 0, ये भी हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है। मैं सिंपल इतना कह देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी है। 9x+2 > 3 > 0, ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी है जिसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन ये सिनेरियो बन जाए, ये साइन आ जाए, जिसे इनइक्वालिटी कह देते हैं। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी उस वक्त होती है जब इसके साथ जो एक्सप्रेशन हम लगाएंगे, इतना एक्सप्रेशन वो लीनियर होना चाहिए, मतलब एक्स की पावर वन होनी चाहिए। वेयर ए एंड बी आर, इसके अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ए और बी है वो रियल नंबर है। कौन सा रियल नंबर जिसमें रैशनल इरेशनल का यूनियन पाया जाता है? तो ये रियल नंबर का, वी रिप्लेस द सिंबल दिस, लेस देन का ग्रेटर देन का हो सकता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सारे सिंबल इसके अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है जी? लाइन का मैंने बारह बताया आपको कि लाइन क्या चीज़ होती है, जरा और डिटेल्स देख लेते हैं हम।
हम जब लाइन की बात करते हैं ना, लाइन की बात करते हैं जब भी, तो लाइन से मुराद होता है कि ऐसी ये एक लाइन है, ऐसा सिनेरियो इसके अंदर है, इसमें जो दोनों साइड है उसकी एंडिंग पॉइंट नहीं है। जब एंडिंग पॉइंट नहीं होंगे, सिर्फ एरो हेड से इसको जाहिर किया जाएगा दोनों साइड से, वो एक लाइन होगी, ये एक लाइन है। लेकिन इसमें कहता है लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का आप लफ्जी मतलब करें तो सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, लाइन सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा। तो टुकड़े की बात करेंगे तो हम इसमें से पीस उठाते हैं कुछ, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर उठा लें तो ये हमारे पास जो बना है ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये एक सेगमेंट बन गया। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक ए बी, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक पीस है, एक टुकड़ा है लाइन सेगमेंट का। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, अ पार्ट ऑफ लाइन एल, ये लाइन एल है हमारे पास, डिस्टिंक्ट आर सेपरेटेड, इसको हम अलहदा भी कर देते हैं, बाई डिस्टिंक्ट पॉइंट, पॉइंट के साथ, कैसे, पी क्यू दो पॉइंट्स हैं जी ऑफ लाइन एल, एल लाइन पर, इज सेट टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट ऑफ एल एंड इज डिनोटेड बाय दिस। अब ये एक लाइन थी सारी, ये एक लाइन थी हमारे पास, इसको हम फर्द करते हैं कि इसका नाम एल है, एल कह देते हैं कि लाइन एल है हमारे पास। इसमें सिनेरियो क्या है कि ये जो हमारे पास इसमें डिस्टेंस नज़र आ रहा है ना, ये पी क्यू है, या इसको क्यू पी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे इस तरह, इस तरह, तो इसको हम पी क्यू कहेंगे, इस सिनेरियो में जाएंगे, इस सिनेरियो में ऐसे। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम इसको क्यू पी कह सकते हैं। पी क्यू करें या क्यू पी करें, बात एक ही है, ए पॉइंट से बी तक जाएं या बी पॉइंट से ए तक जाएं, सिनेरियो सेम है, उसमें आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदा कहता है कि मैंने नमाज पढ़ने जाना है मस्जिद तक, घर से लेकर मस्जिद तक, या वो कहता है कि मस्जिद से मैंने घर आना है, तो डिस्टेंस सेम ही होगा, मस्जिद से घर जाएं या घर से मस्जिद जाएं तो सेम बात है। तो हम कहते हैं कि ये मस्जिद है ये घर है, तो मस्जिद से घर जाना या घर से मस्जिद जाना, तो बात तो सेम ही है, सिंपल ही है। तो ये इसके अंदर, ये लाइन के अंदर हमने छोटे दो पॉइंट्स लिए और ये हमें एक लाइन सेगमेंट मिल गया, कौन सा, पी क्यू। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, इससे क्या मुराद है, द रियल नंबर्स एक्स वाई ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अब ऑर्डर पेयर एक्स पेयर हम जानते हैं कि जब भी हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑफ एक्स। ये एक पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई इन प्लेन। अभी एक नई बात आई, प्लेन, प्लेन क्या है, व्हाट इज प्लेन। जब भी हम प्लेन की बात करेंगे ना तो सिंपल आपने इस तरह का सिनेरियो बना लेना है कि ये हमारे पास इसमें एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास इसमें वाई एक्सिस होता है, ये प्लेन है हमारे पास, टू डायमेंशन जो सिनेरियो है ना ये प्लेन कहलाता है। ये इसमें एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू आती है वाई की आती है, एक्स माइनस एक्स की आती है माइनस वाई की आती है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये सिनेरियो है। द फर्स्ट नंबर x इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। अब जो x x की बात करेगा ना जब भी, तो ये x कोऑर्डिनेट्स होते होंगे, इसको हम x कोऑर्डिनेट्स, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जब प्लेन में आएंगे, टू डायमेंशनल शेप में आएंगे, टू डायमेंशनल की बात करेंगे तो दो होते हैं, x और y। जो इसके अंदर x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, इनको हम कहते हैं अवशिषा, इसको हम कहते हैं अवशिषा, दूसरा नाम है x कोऑर्डिनेट का, x एक्सिस पे जो हमारे पास पॉइंट मिलेगा, और x को हम उस वक्त अवशिषा कह सकते हैं। एंड सेकंड नंबर y इन x y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट्स, तो y कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट को अवशिषा एंड y कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p ऑफ x y। एक पॉइंट p हमने ले लिया और p पॉइंट के अंदर सिनेरियो याद, तो उसमें x और y के फर्द करें कि ये p पॉइंट हम इधर ले लेते हैं, तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें, फर्द करें x और y, तो इसके अंदर x जो था ये x एक्सिस पे था, इसको अवशिषा कह दिया, और y जो था इसको ऑर्डिनेट कह दिया, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट था, y एक्सिस के ऊपर था। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जब भी हमने फाइंड करना है तो हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, दो ऑर्डर पेयर होते हैं, और दो ऑर्डर पेयर से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स की बात कर रहा है, एक पॉइंट्स क्यू पी है, दूसरा क्यू है। वैसे तो एक्स और वाई का सिनेरियो था, पी कोई भी पॉइंट लेते हैं, लेकिन जब पॉइंट दो हो जाते हैं तो हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कह सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक हो गया। तो मैंने पी पॉइंट्स के जो पॉइंट्स पी के जो थे उसको मैंने एक्स वन वाई वन रख लिया, और सेकेंड पॉइंट को एक्स टू वाई टू रख लिया। फार्मूला ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होल पावर टू और वाई टू माइनस वाई टू होल पावर टू। तो यहाँ हमेशा डिस्टेंस कभी भी
याद रखें लिखा हुआ है वेयर डी ग्रेटर देन जीरो, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड लास्ट हमारे पास है कुलीनियर आर नॉन कुलीनियर पॉइंट्स। कुलीनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, नॉन कुलीनियर कौन से होते हैं। डेफिनेशन में है व्हेन एवर टू आर मोर देन टू पॉइंट्स हैपन टू लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन दे आर कॉल्ड कुलीनियर पॉइंट्स। वो कहता है कि किसी प्लेन के अंदर सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पॉइंट मिलते हैं वो कुलीनियर होते हैं, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कुलीनियर। क्या मुराद है इससे? अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमें जितने भी पॉइंट ऐसे मिल जाएं तो सारे एक्स एक्सिस पे मिल रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिल रहे हैं, तो दैट कॉल्ड कुलीनियर। या अगर वाई की बात कर लें तो इसमें जहाँ मर्जी जितने मर्जी पॉइंट मिल जाएँ लेकिन स्ट्रेट लाइन में मिल जाएँ, एक भी इधर उधर ना हो, तो उसको हम कहते हैं जी ये कुलीनियर पॉइंट्स हैं। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए लाइक अगर ट्राइंगल की बात कर लें तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं मिल रहे, तो दैट इज़ नॉन क्लीनियर पॉइंट्स। तो जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलते हैं वो क्लीनियर होते हैं, जो हमें स्ट्रेट लाइन के अलावा मिलते हैं लाइक ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वेयर, तो ये सारे हमारे पास नॉन क्लीनियर होते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो आज का टॉपिक कंप्लीट हुए, जितने भी टॉपिक्स थे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।